पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें मयूरभंज के सकरौली में 2 मिलीमीटर सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगर बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की, झारसुगुड़ा का 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर और कटक का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और तापमान में देखा जाए तो उसके बाद जो हमारे 10 स्टेशन इस तरह से जहाँ तापमान 41 डिग्री है उससे ऊपर दर्ज किया गया है। बोध में 42.5 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर में 42.4 डिग्री सेल्सियस, थलचर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ तिथलागढ़ मुल्कानी में 41.5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से जो तापमान रहा है ओवरऑल कई कुछ जगह पे बढ़ा है, कुछ जगह पे घटा है, तो ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। अगर बात तापमान में तो अभी तो हॉट वेदर कंडीशन प्रिवेल कर रही है, तो आगे भी जो 2-3 दिन तक हॉट वेदर कंडीशन प्रिवेल करने की संभावना है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं दिख रहा है। अगले 5 दिन के फोरकास्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और डे 5 यानी कि 21 तारीख को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इन 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की कंडीशन जो है फेवरेबल कर रही है, तो जिसकी वजह से लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। अब आज बात करते हैं आज के फोरकास्ट की, तो आज मयूरभंज, केवंझर, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और डे 1 में मयूरभंज, केवंझर, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म और विद लाइटनिंग एक दो स्थान पर होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। कुछ कुछ जगह जैसे कि संबलपुर, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम इनमें एक दो स्थान पर डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव होने की भी येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 18 तारीख को भी जो मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केवंझर, कंधमाल, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मुल्कान डिस्ट्रिक्ट में इनमें अशुरुप्रेसिव थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है, और संबलपुर, गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर यहाँ पर हीट वेव की भी चेतावनी दी गई है येलो वार्निंग में। डे 3 19 तारीख को भी साउथ उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग की है आइसोलेटेड लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की। इसके बाद 20 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केवंझर, कंधमाल, गंजम, गिरिडीह, रायगढ़, कलांदी, नवरंगपुर, कोरबा, मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी प्रकार डे 5 की बात करें तो डे 5 में भी पूरी, खुर्दा, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरबा, मुल्कानगिरी में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है एक दो स्थान पर, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर बात करें टेम्परेचर फोरकास्ट की तो अगले 2-3 दिन तक तापमान जो मैक्सिमम तापमान है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद ये धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इसमें ज़्यादातर स्थानों पर ग्रेजुअल फॉल देखा जाने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी भी जो है 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर रहने की संभावना है कुछ जगह पर, और जो ये तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर बने रहेंगे अगले 2-3 दिन तक, और भुवनेश्वर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।